नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जारी हुए अपर मुख्य सचिव के पत्र के बारे में, जिसमें 31 दिसंबर 2001 से पहले के जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमितकरण करने की बात कही गई है। सारा मुद्दा यह आ रहा है कि क्या इसका लाभ शिक्षा मित्र उठा पाएंगे, क्योंकि 2001 से पहले के जो शिक्षा मित्र थे वो बेसिक के शिक्षा मित्र थे, तो क्या बेसिक के शिक्षा मित्रों को इस पत्र के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है, क्या उनको अध्यापक बनाया जा सकता है। अभी अभी हमारी सुबह ही बात हुई जिला अध्यक्ष प्रेमवीर सिंह से, जो उमा देवी संगठन के हैं, तो उन्होंने जानकारी दी कि इसमें भी टेट मांग रहे हैं, बिना टेट के तो कोई भी सहायक अध्यापक बन ही नहीं सकता है। अगर इस पत्र के अंतर्गत बेसिक के शिक्षा मित्रों का फायदा भी होता है तो उन्हीं का होगा जिन्होंने टेट पास कर रखा है। पत्र है अपर मुख्य सचिव का, जो सभी मुख्य सचिव को दिया गया है, विभाग अध्यक्षों को दिया गया है और जिला अधिकारी महोदय को दिया गया है। तो इन सबको ये पत्र जारी किए गए थे कि आप सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों को इस जानकारी दे दें, उनकी नियमितीकरण की व्यवस्था करें। बात आती है कि क्या शिक्षा विभाग इन विभागों में शामिल है जिनके लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2001 से पहले जो लगातार काम कर रहे हैं और उससे पहले नियुक्त हैं, यानी अब भी काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्र ऐसा इसमें कोई शब्द नहीं है। अब ये रह गया है कि शिक्षा मित्र संगठन के जो नेतृत्व करता है वो जाएँ और इस पत्र को लेके बताएं, पूछें सरकार से कि इसमें बेसिक शिक्षा शामिल है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से वो कार्य किया जाएगा। हमारी चाय बन के आ गई है, चाय पीते रहेंगे, आपको न्यूज़ बताते रहेंगे। इधर हितेश दुबे कहते हैं कि 25 दिसंबर को सरकार के द्वारा घोषणा की जा सकती है शिक्षा मित्रों को लेकर, लेकिन 25 दिसंबर बहुत आगे है, उसके बाद आचार संहिता तो कभी भी लग सकती है। 25 दिसंबर के लिए इंतजार करने के लिए और कहा है, क्योंकि 25 दिसंबर को आप सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो सबसे पहले शायद सरकार कोई घोषणा करे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही ये योजना थी शिक्षा मित्रों की, शायद उन्हीं की जयंती पर ही शिक्षा मित्र योजना का कल्याण करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया जाए या उनके नियुक्तिकरण की व्यवस्था की जाए। जो भी होगी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे मिलती रहेगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार।